तो यहाँ पे जी हमारा थोड़ा सा बेक ज्यादा हो गया था बस एकदम से हुए तो ये लुक के खांसी स्टार्ट हो गई ये यहाँ करे यार चलो चलो ये पहले तो जीत गई पुलाव बिरयानी ठीक है। हाय ये क्या होगा प्रैंक हो गया। अस्सलाम वालेकुम आ गई है ब्लॉग की असल मास्टर। सब्सक्राइब कर दे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये जी आज हमने दाल जो बनाई थी ना हम वेलकम बैक करना ही भूल गए थे, तो हमने कहा वेलकम बैक कर लेते हैं ब्लॉग में दोबारा से। तो हमारी दाल माश रेडी हो गई है बिल्कुल A1। तो जी यहाँ हो रहे हैं 3:24 के करीब और आज दोबारा से मालदाश बन रही है, मतलब मैं बना रही हूँ। पिछली दफ़ा सबको अच्छी लगी थी, एक दफ़ा पहले भी मैंने बनाई थी वो भी अच्छी लगी थी, तो बस इस बार दोबारा फरमाइश आ गई कि मैं ही बनाऊँ, तो बस आज मैं ही बना रही हूँ माश दाल। और अभी जो है मुझे मशरूम क्रिप्स भी बनानी है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो में कहा था मशरूम क्रिप्स की रेसिपी में सामान लाई थी, वो मैंने बनाई भी थी पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो आज इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि कितने मज़े के होते हैं मशरूम क्रिप्स। तो ये मेरा सामान है और इसको अभी बाद में देखते हैं हम। यहाँ पे जी हमारी दाल है बिल्कुल रेडी। यहाँ पे जी मैं अपनी मशरूम क्रिप्स की रेसिपी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले हमने लिए चिकन इसमें और ये क्रीमी चिकन एंड मशरूम स्टफ क्रिप्स बना रही हूँ, फूड फ्यूजन की रेसिपी है। तो बस बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी ट्राई करें। वाह इन्होंने तो चिकन टिक्का नहीं डालते टिक्का मसाला, लेकिन मैं डालती हूँ टिक्का मसाला। तंदूरी मसाला मिलता है या टिक्का मसाला कुछ भी मिलता है मैं डाल देती हूँ, टिक्का ही है ना टिक्का बोटी। हाँ तो बस ये थोड़ा सा हम डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अच्छा तो जी मैंने इसमें डाला है टिक्का मसाला, एक लेमन डाला है और ये डाला है पार्सले डाला है, अदरक लहसुन काली मिर्चें ठीक है ये सब कुछ अभी तक मैं डाल चुकी हूँ, और नमक थोड़ा सा डाला है। और अभी जो है बस ये थोड़ा सा और अच्छे से सॉटे कर लें तो फिर उसके बाद पकाती हूँ। मैंने जो है ये लिया है कनौर, मतलब जो चिकन वो होता है पुलाव बिरयानी फ्यूज, ये तो पुलाव बिरयानी फ्यूज है। हाय ये क्या हो गया प्रैंक हो गया। शुक्र है कि मैं आप लोगों को दिखाने की चक्कर में दिखा रही थी, तो वरना आज ये पुलाव बिरयानी क्रिप्स बन जाते हैं चिकन क्रिप्स के बजाय। तो ये फिर हमारे पास सारे यही पड़े हुए थे, इतने बहुत सारे अम्मी लाई थी तो कोई दाल वाला है कोई, उनको पता नहीं चला कि ये कौन से चिकन वाले हैं, वो चिकन वाले समझ के लाई हैं, बीच में ये चिकन का एक भी नहीं था। तो खैर अब हम ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे, इंस्टेंट चिकन यखनी इस्तेमाल कर लेंगे। सही है तो ये देखें जी आज हमारे साथ प्रैंक पे प्रैंक हुआ जा रहा है, निकालो ना यार ये हमने चीज ली निकाली और ये देखें जी फंगस क्या ये कौन सी है दीम्स वाले, ये आप लोग देख लें क्या ये क्या इंसानियत है, रमज़ान में भी ये हरकतें हैं इनकी अभी जाके चेंज कराते हैं इसे। तो यहाँ पे जी मैंने क्या ये जो सॉस बनाई है ना इसमें सबसे पहले मैंने डाला है बटर, टू क्यूब्स डाल दें बटर के ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल और उसको अच्छे से मेल्ट करके फिर चॉप किया हुआ प्याज डाल दें ठीक है, ये चॉप इस तरह किया हुआ, और उसके बाद जो है मशरूम्स डाल दें, ये देखें मशरूम्स भी डाले हमने इसमें, और फिर उसके बाद जो है आप यखनी डाल दें ठीक है। ये मेरे पास ये थी इस टाइम पे तो मैंने 3 पैकेट इसके डाल दिए थे, वरना आप अगर वो चिकन क्यूब होते हैं ना वो आप 2 डाल दें, उसका स्टॉक डाल दें पानी में मेल्ट करके। और उसके बाद जो है ना मैंने डाला इसमें नमक काली मिर्च और ये मैं थाइम नहीं डाला, मेरे पास थाइम नहीं था, मैंने ये फ्लेक्स डाले पार्सले और काली मिर्चें ठीक है और मोटी मिर्चें तो बस, और फिर आखिर में मैंने डाली ऑल पर्पस क्रीम ठीक है। और बस ये मेरा रेडी हो गया, बस इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं और फिर हमारे मशरूम क्रेप्स रेडी हो जाएंगे, और फिर हम जाते हैं उस मार्ट वाले के पास उसको बराबर करते हैं। निकल गए हैं अब मार्ट वाले को बराबर करने के लिए। हाँ फातिमा ऐसा कोई करते हाँ ये क्या होता है चलें चलते हैं अब। तो जी फाइनली उन्होंने मुझे चेंज कर दिया ठीक है, और अच्छे थे ये कसीम्स हैं, उन्होंने चेंज कर दिया था कसीम्स मार्ट वाले एम्पोरियम। तो हमने फिर ये ले ली नूरपुर की, ये भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई करेंगे तो देखते हैं क्या सीन है इसका। और साथ में हमने क्या लिया उनसे, क्या लिया हमने उनसे, 2 चॉकलेट्स भी ली कंपनसेशन, 1 फॉर अब्दुल्ला एंड 1 फॉर फातिमा। ये हैप्पी बस एक ही दिया उन्होंने, 2 ही दिए और नहीं दे रहे थे। यहाँ पे जी मैंने जो है क्रिप्स का भी मिक्सचर रेडी कर लिया, जैसे पहले मैंने डाले 3 अंडे डाले हैं ठीक है, फुल अंडा डालना है। उसके बाद हमने डाला है 1/2 कप वाटर और 1/2 कप वाटर और 1 मिल्क पैक, ये
ये पूरा मिल पैक मैंने डाला, सॉरी। और उसके बाद मैंने डाले 1.5 कप मैदा, और अब मैं डालूंगी इसमें ऑयल, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच और ये 3 चम्मच, थोड़ा सा और डालते हैं बस। चलो बस अब हमारा क्रिप्स भी रेडी हो गया, तो अब इसे बनाते हैं। तो ये देखें जी, हमारी एक रोटी है ऑलमोस्ट रेडी, और अभी आपको बैटर दोबारा डाल के दिखाते हैं। चलें डालें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, डोसा है डोसा डोसा भी ऐसे ही रेडी करते हैं ना जी। फाइनल रिजल्ट जो है उसका ये है, रोटी ज़बरदस्त बनी है। तो यहाँ पे जी अपनी क्रेप्स हैं बिल्कुल रेडी, अब इस पर हमने सारी गार्निशिंग कर ली है, मतलब चीज़ की गार्निशिंग हो गई है, और है ना अंदर स्लाइसेस पड़े हुए हैं वो भी ले आओ चीज़ के, तो बस ये सारा डालते हैं। तो ये देखिए जी, हमने थोड़े से चीज़ के स्लाइसेस भी पड़े हुए थे हमारे पास, तो हमने कहा ये भी डाल देते हैं। और अब जो है इसमें मोटी मिर्चें जाएंगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ये है हमारा बिल्कुल रेडी, और बस अब इसे सिर्फ बेक करना है हमने। और इसमें हमने ये सारे थाइम, पार्सले और मोटी मिर्चें खाली डाली हैं बस, और कुछ भी नहीं। अभी हो रहे हैं 5:30 और बस हम इसे 6 तक, हाँ 6 तक हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे हो रहा है चिकन फ्राई, कौन सा KFC स्टाइल है, KFC स्टाइल चिकन फ्राई हो रहा है आज। आज हमारे घर में है अफ्तारी, आज मेरी बड़ी नंद आ रही है, छोटी नंद काम पे लगाया हुआ मैंने छोटी नंद को और बड़ी नंद की अफ्तारी की जाएगी। हाँ बिल्कुल बहुत। तो जी बहन की कॉल आई है कि अफ्तारी लाई हूँ, तो देखते हैं चल के क्या लाई है अफ्तारी में आज हमारे लिए। हाँ जाती हूँ नानू के घर, मैं तो नानू के घर जा रही हूँ आज, छुट्टी है कल, सभी जाते हैं मेरे साथ, क्यों चलो जाओ। ओके ओके, तो जी देखते हैं बहन ने इफ्तारी में माशाल्लाह से चावल भेजे हैं, गोश्त पुलाव या चाट है, इसमें चाट है, कबाब हैं, चीज़ बॉल्स बनाई हैं, शीरखुरमा बनाया है, और ये रशियन सैलेड भेजी है, थैंक यू सो मच। और जी इफ्तारी में रह गए सिर्फ 10-15 मिनट, और हमें याद आया कि अभी तक हमने मशरूम क्रिप्स को बेक ही नहीं किया, और शुक्र है मुझे याद आ गया था, अगर ना आता तो ये यही पड़ा रह जाता हमारा। इसको निकाल लेते हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम, आ गई है ब्लॉग की असल मास्टर, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब। तो यहाँ पे जी हमारा थोड़ा सा बेक ज्यादा हो गया था बस एक दम से हुआ है तो ये लुक है, खांसी स्टार्ट हो गई। हम आए थे इनके घर हम आए थे अपनी बहन के घर, और यहाँ पे जो है खाना भी खाया है हमने। अब हम जो है ये रिशाइल लाई है, कहती है ये खेलते हैं, तो सॉकर, सॉकर है कि सॉसर, फुटबॉल, फुटबॉल या फुटबॉल, फुटबॉल, तो चलें अब ये खेलते हैं। तो आप वीडियो बनाते हो हमारी, इस तरह पकड़ो, कौन सा मेरा कौन सा आपका, ये येलो मेरा रेड आपका, रमजान खाला येलो मेरा रेड, रमजान खाला आप उठक दो, गेमर की स्टार्टिंग लिया करें ना, जाओ बचा गाइस ना, यहां पे बॉल है, वहां पे चले अच्छा यार, यहां की करे ये, यहां करे यार, चलो चलो ये, ओ खाला तो जीत गई, खाला क्या जीत गई, आपने अपना गोल किया है, गोल किया अपना किया, अच्छा अब इधर रख, 1 मिनट ये 0-0 है, अच्छा फिर तक बॉल रख लिया कि आप पीछे से पड़े, वो वहां से निकल आया, तुम छुपा रही थी वो वहां से आ गया, ओ रिशाइल इससे छुपा रही थी कि ये बॉल को नहीं छोड़ेगा वो वहां से, रिशाइल तो बहुत मुश्किल गेम है, कोई खास मजा नहीं आ रहा ये दोनों खेलेंगे अब, इधर आ जाओ ना अदमान, इधर आ जाओ। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं नानो हाउस के लिए, अब्दुल्ला आर यू एक्साइटेड,
तो बारिश भी हो रही है भाई जो बस चलते हैं। तो रात के हो रहे हैं जी 2 बज रहे हैं और छोटे भाई का दिल चाह पड़ा है जूस पीने का, तो अब हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जूस। तो ये देखें जी बनाते हैं स्ट्रॉबेरी जूस। चेक करें माशाल्लाह, वाजी वाह, जबरदस्त समल शेक है रेडी। मॉम पराठे बना रही हूँ मॉम। मॉम के और यहाँ पे मॉम का एक पराठा बन गया है। अच्छा डालें का घी डाल। अच्छा देसी घी है। मेरा देसी देसी घी का पराठा बनाए। वाजी वाह। और यहाँ पे एक पराठा ऑलरेडी बना हुआ है और बस आज की सैरी यही है और आज का व्लॉग प्यारे प्यारे पराठों के साथ एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्ट कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।